हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल माई राजा बेटास एंड राजा बेटियां जिन्होंने डॉक्टर बनना है, नो इफ नो बट ओनली डॉक्टर, राइट? अनअकैडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आपका तहे दिल से स्वागत है. जितने भी लोग इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ, विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस ब्यूटिफुल अनबीटेबल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी. और इसको इतना बेहतर किसने बनाया? आप लोगों ने, आपके प्यार ने, आपकी रिस्पेक्ट ने. बिकॉज यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है एंड दैट टू फ्री विदाउट एनी चार्जेस. सो घर घर तक शिक्षा का चिराग जो है हमने जलाना है. अनअकैडमी का यही प्रण है, ये जो मशाल हमने जलाई है इसको आपने घर घर तक पहुंचाना है. तो जल्दी से और लोगों को अपने साथ जोड़ लीजिए. हेलो गिरीश, हेलो संयोगिनी, राजेश, वकार, नैतिक, पुनीता, किशन, डॉली, वेद व्यास, निशांत, कावेरी, ग्रेट. जितने भी रेगुलर व्यूअर्स हैं जो इस समय बिल्कुल 4 बजते ही अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आ जाते हैं वो लोग आ चुके हैं. और जो अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से उन्हें भी बुला लीजिएगा. इस वीडियो का लिंक आगे भेज दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें. और जिन कंजूस लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा है जल्दी से वो काम जरूर कर दीजिएगा. आपके लाइक्स हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं, राइट बेटा? सो आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का लेक्चर नंबर फाइव. कहानी आगे बढ़ाएंगे हम कि किस तरह से एंटी डायूरेटिक हार्मोन का रोल होता है यूरिन को कंसंट्रेट करने में, यूरिन को डाइल्यूट करने में, राइट जी? आपने ज्यादा पानी पिया है, वाटर इंटेक कम है या वाटर इंटेक एक्सेस में है, उसके अकॉर्डिंग यूरिन जो है हाइपरटॉनिक हाइपोटॉनिक होता है. डायबिटीज इंसिपिडस का जिक्र भी करेंगे और उससे आगे भी कहानी बढ़ाएंगे कि किस तरह ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन कॉन्टिन्यूसली बनता रहता है एंड देन इट इज पास्ड ऑन टू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेटर्स. यूरेटर्स आर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब्स जिनमें पेरिस्टेल्सिस भी होता है और वो यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन लेके जाते हैं. ब्लैडर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे जी आपके साथ एंड फाइनली यूरिथ्रा एंड मिक्चुरेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट मेरे राजा बेटा? ठीक है जी, आगे बढ़े. कनीस, सर्वेश, श्रेया, दामिनी, बुशरा, वंडरफुल जी, ग्रेट रिस्पॉन्स. चलिए, लाइक्स का सिलसिला जारी रहेगा. और पहले मैं आपको बता दूं, जिसने भी अभी तक टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड नहीं करा है आप अपने सेलफोन में टेलीग्राम का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए. ये वाला यूआरएल जब आप टाइप करेंगे इसके स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा. तभी कई बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हम जुड़ नहीं पा रहे हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप में. सो आप स्पेलिंग मिस्टेक करते होंगे कहीं ना कहीं. देन अनअकैडमी का प्लस का बेहतरीन प्लेटफॉर्म जरूर एक्सप्लोर कर लीजिए बेटा जी. वंडरफुल कोर्सेज हैं वहां पे, टेस्ट हैं, क्विजेज हैं, लाइव डाउट सेशन है और उसके अलावा मोर पर्सनलाइज्ड अटेंशन है. आपकी समस्याओं का समाधान डायरेक्ट 1-to-1 हम करते हैं आपके साथ, ठीक है? आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्लस के प्लेटफॉर्म पे हैं और डुअल एडवांटेज, वो प्लस पे भी क्लासेस अटेंड करते हैं और अनअकैडमी पे यहां पे लाइव तो हम आपके सामने होते ही हैं जी, राइट? आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं अलग अलग एजुकेटर्स के कोर्सेज. इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर्स आपको यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं. नाउ अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपके सेलफोन में जरूर होना चाहिए और इसमें जो आपको कोर्स सेलेक्ट करना है दैट इज प्री मेडिकल नीट एंड एम सब्सक्रिप्शन. आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हैं. अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपको 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए. नीट लाइव कोड यूज करने पे आपको हमारी टीम की तरफ से स्पेशल डिस्काउंट मिलता है. सो ये बेहतरीन ऑफर जो है इसको अवेल करना मत भूलिएगा. चलिए राजा बेटा, आज मेरे पास क्या कोटेशन है आपके लिए? यू विल नेवर ऑलवेज बी मोटिवेटेड so you must learn to be disciplined. बड़ी बेहतरीन बात है ये. हमेशा कोई दूसरा आपको मोटिवेट करे या आप मोटिवेटेड ही महसूस करें ये जरूरी नहीं है. तो आपको डिसिप्लिन्ड होना बहुत जरूरी है. इसमें आपको पढ़ाते समय भी हमेशा मैं ये बात जरूर कहता हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म का बेस्ट फायदा तभी उठा सकते हैं यदि आप स्वयं डिसिप्लिन्ड हैं. अगर आपको ये लग रहा है कि टीचर सिर्फ एक स्क्रीन पे हमारे सामने आ रहे हैं, ये फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं है, ये हमें डांट नहीं सकते, ये हमारी किसी हरकत को नोट नहीं कर सकते, तो हम जो भी चाहें करेंगे, तो फिर वो आप अपना नुकसान करा रहे हैं. उसमें पढ़ाने वाले का कोई नुकसान नहीं होगा बेटा. सो इसलिए डिसिप्लिन्ड होना बहुत जरूरी है किसी भी काम को लेकर के, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो. कल को आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे वहां भी डिसिप्लिन होना जरूरी है. सो एवरी एक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायर्स दिस टू बी डिसिप्लिन, राइट जी? एग्री करेंगे आप इसमें? श्रेया, प्रिंसी, निकिता, अदिति, डॉली, दीपशिखा, अंश, दामिनी जी, कनीज, सुरभि, बाबू तुलसी, हुमा खान, निलेश, ग्रेट, वंडरफुल. चलिए जी,
200 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, अब हम अपने मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। सो हम कहानी शुरू कर रहे हैं जी, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। जल्दी से एक रीकैप आपको जरूर दे दूंगा जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। हम यूरिया साइकिल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यूरिया लिवर में सिंथेसाइज होता है। जब आप फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो इसमें दो प्रोसेसेस आती हैं, केमिकल प्रोसेसेस, मैकेनिकल प्रोसेसेस। केमिकल प्रोसेसेस किसमें इन्वॉल्व है? यूरिया के सिंथेसिस में। यूरिया कहां बनता है? लिवर में। कौन से साइकिल से? यूरिया साइकिल, ऑल्सो कॉल्ड ऑर्निथीन साइकिल, ऑल्सो कॉल्ड क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। यूरिया साइकिल आपके शरीर से दो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट्स को निकालता है, दैट इज अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। यूरिया लिवर में लगातार बन रहा है, हिपेटिक वेन में मैक्सिमम यूरिया कॉन्टेंट होता है, किडनीज की तरफ ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है यूरिया को, और किडनीज का काम है उस यूरिया को यूरिन की फॉर्म में शरीर से बाहर निकाल देना। सो फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में एक तो हो गया केमिकल प्रोसेसेस यूरिया सिंथेसिस, और मैकेनिकल प्रोसेसेस में यूरिन फॉर्मेशन, राइट जी। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप फैमिलियर हो चुके हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से। नेफ्रॉन में एक मैलपिगियन कॉर्पसल है, मैलपिगियन कॉर्पसल को रीनल कॉर्पसल या पिग्मेलियन कॉर्पसल भी कहते हैं। उसमें क्या है? देयर इज अ ब्लाइंड कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द बोमेंस कैप्सूल और द ग्लोमेरुलर कैप्सूल, राइट। और ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर जो है कैपिलरीज का एक नेटवर्क है, कैपिलरीज के उस गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसके बाद है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन यू हैव नेफ्रॉन लूप, और इट इज कॉल्ड एज द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिंब है, लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिंब है। देन दिस इज डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। बेसिक स्ट्रक्चर से आप सब फेमिलियर हैं, कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। आज बात करते हैं जी एंटी डायूरेटिक हार्मोन की, जिसको शॉर्ट में एडीएच या वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, पिट्रेसिन भी कह देते हैं। बनता कहां है एडीएच हार्मोन जो है बेटा जी? इट इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। ये देखिए, ये बात लिखी है, बनता ये हाइपोथैलेमस में है, और ये स्टोर कहां होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। यू नो पिट्यूटरी इज अटैच्ड विद द हाइपोथैलेमस बाय इनफंडिब्यूलर स्टेम। हाइपोथैलेमस में बनने वाला यह न्यूरोहार्मोन न्यूरॉन्स के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचता है। आपको रफली मैं बना के दिखाता हूं। मान लीजिए ये रहा हमारा हाइपोथैलेमस, ये इनफंडिब्यूलर स्टेम, एंड दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी की तीन लोब्स हैं, देयर इज एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर। जो इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी है वो ह्यूमंस में मच डेवलप्ड नहीं है, पार्स इंटरमीडिया उसे कहते हैं, राइट जी। नाउ ये वाला जो पीछे का हिस्सा है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने आपसे ये कहा कि ये जो न्यूरो हार्मोन है, दैट इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन, हाइपोथैलेमस के स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स ये हार्मोन बनाते हैं, और वो उनके एक्सॉन्स के थ्रू जाकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर्ड रहता है। ऑक्सीटोसिन भी और वैसोप्रेसिन भी, दो हार्मोन्स, राइट। यहां पे हम वैसोप्रेसिन का जिक्र कर रहे हैं। तो ये किस फॉर्म में स्टोर होता है? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ herring bodies. What are herring bodies? So we can say herring bodies are the stored form of vasopressin hormone in the posterior pituitary. तो एक बेसिक बात हम जाने, बनता हाइपोथैलेमस में है, स्टोर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, राइट। और ये रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होगा। यहां पे एक ब्यूटीफुल सा एनिमेशन भी आप देख पा रहे हैं कि भाई एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो आकर के टिब्यूल पे, डीसीटी पे और सीटी पे एक्ट करा है, और आप देख रहे हैं पानी का रीअब्सॉर्प्शन दिखाया गया है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ने क्या काम करवाया? पानी का रीअब्सॉर्प्शन करवा दिया बॉडी में, यूरिन को कंसंट्रेट करा दिया, ठीक है जी। ध्यान से सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होते हैं एडीएच के। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है इट एक्ट्स ऑन डीसीटी एंड सीटी ऑफ नेफ्रॉन्स, और क्या काम कर रहा है? इट इंक्रीजेस रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, शरीर में पानी को रीअब्सॉर्ब करा देता है, राइट, ताकि जो यूरिन बाहर पास आउट हो वो कंसंट्रेटेड हो। इट प्रिवेंट्स डायूरेसिस, ये सेंटेंस देखिए, इट प्रिवेंट्स डायूरेसिस। डायूरेसिस शब्द का मतलब क्या है? दैट इज प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। एडीएच का फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक, यानी ये डायूरेसिस नहीं होने देता। व्हाट इज डायूरेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन। क्लियर है जी राजा बेटा? इतना
राइट हबीब साहब, नकी अहमद, नीता, किशन पांडे, पुनीता, संगीता, ईशा, क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ रहा हूं। अब जो मेरे पीछे फ्लो चार्ट बना हुआ है ना, इसको आपने ध्यान से समझना है। ये क्या बात समझाई गई है कि क्या ह्यूमंस हमेशा कंसंट्रेटेड यूरिन ही बनाते हैं? आप जानते हैं हमारे प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल्स होती है, और जो यूरिन हम नॉर्मली पास आउट करते हैं दैट इज 4 times मोर कंसंट्रेटेड देन प्लाज्मा। प्लाज्मा के मुकाबले 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड है, यानी 1200 मिली ऑस्मोल्स है। पर क्या हमेशा जरूरी है कि हम जो यूरिन बनाए वो कंसंट्रेटेड ही हो? नहीं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ध्यान से समझिएगा, योर बॉडी हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड एज वेल एज डाइल्यूट यूरिन। ये कैसे रेगुलेट होता है, ये किस बात पे निर्भर करता है? ये डिपेंड करता है कि आपने कितना पानी पिया है। इधर देखिए राजा बेटा, स्टेप 1 से लेके चलते हैं। अगर एक्सेस वाटर इनटेक है, हमने ज्यादा पानी पिया है, ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड डिक्रीजेस, तो वो पानी इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होके ब्लड में गया, ब्लड की कंसंट्रेशन चेंज होगी, जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाएगी। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जब चेंज हुई, उसे कौन डिटेक्ट करता है? ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है, पूरी बॉडी में फ्लो करता हुआ प्लाज्मा आपके ब्रेन तक भी तो पहुंचेगा। आप जानते हैं कि आपके हाइपोथैलेमस में, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोथैलेमस इट इज अ पार्ट ऑफ 4 brain। ब्रेन 3 हिस्सों में बटा है ना, 4 brain, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। 4 brain में यू हैव सेरिब्रम, यू हैव डायनसिफेलॉन, ऑल्फैक्टरी लोब्स। जो डायनसिफेलॉन है उसका फ्लोर बनाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में डिटेल में विल बी डिस्कसिंग इन नर्वस सिस्टम। हाइपोथैलेमस ही आपका हंगर सेंटर है, थर्स्ट सेंटर है, सेटाइटी सेंटर भी हाइपोथैलेमस में है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर भी हाइपोथैलेमस में है। सो हाइपोथैलेमस में ये ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेयर आर दी ऑस्मो रिसेप्टर्स इन योर बॉडी लोकेटेड, या ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर कहाँ है शरीर का? हाइपोथैलेमस में। तो मैं आपसे ये कह रहा था, आपने एक्सेस में पानी पिया, इंटेस्टाइन में गया, एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में गया, प्लाज्मा की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में बदलाव आया, that will be detected by your hypothalamus. Osmoreceptors of hypothalamus are going to detect that. So accordingly, अब hypothalamus ये देखेगा कि भाई पानी पहले से ही शरीर में ज़्यादा है, क्या मुझे ADH बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि ADH का काम है शरीर को पानी में एब्जॉर्ब करके रखना, और अगर शरीर में पहले से ही एक्स्ट्रा वाटर है तो फिर जो यूरिन में पानी को बाहर पास आउट कर देना चाहिए। Why to store that water in the body? राइट सो जब ऑस्मोरिसेप्टर्स ऑफ हाइपोथैलेमस ये बात डिटेक्ट कर लेंगे कि प्लाज्मा की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में बदलाव आ चुका है, तो क्या होगा? ADH सिंथेसिस एंड सिक्रीशन डिक्रीजेस, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिंथेसिस और सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगा। जब वो कम हो जाएगा तो नेफ्रॉन्स पर ADH एक्ट नहीं करेगा या कम मात्रा में एक्ट करेगा, तो यूरिन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, हाइपोटोनिक यूरिन। तो सादी भाषा में याद रखो, भाई जो फालतू पानी पिया है वो शरीर में क्यों समा के रखना, उसे बॉडी से बाहर निकाल दीजिए, डाइल्यूट यूरिन बना दीजिए। क्लियर है? बिल्कुल जी, राइट मोहम्मद फैजल साहब, आपको समझ आ रहा है? वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। ओके जी, बताइए वेद व्यास जी, हबीब, संकल्प, डज वॉटर दैट वी ड्रिंक ऑलवेज गोज इन द ब्लड स्ट्रीम? संकल्प बेटा, आप जो भी चीज पियेंगे, है ना, आपने पानी पिया, जूस पिया, अल्टीमेटली आपकी एलिमेंट्री कैनाल में जा रहा है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में, इंटेस्टाइन में गया, तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रहा है और वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है। एग्रीड? सो अल्टीमेटली जो आपने पिया है जाएगा तो आपके ब्लड में ही ना, राइट जी? ठीक है जी, जो लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा उसे लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा। वेरी गुड, सोनू ने कहा, क्लियर हो गया है जी। सचिन जॉन, ऋषिकेश, राकेश, सुहाना, संयोगिनी, आशुतोष, वंडरफुल, काबेरी जी, थैंक यू। आपके थम्स अप के साइंस जब आते हैं तो दिल खुश हो जाता है उससे कि जो एफर्ट हम इतनी दूर बैठे आपके लिए कर रहे हैं वो आपके लिए सही साबित हो रहा है, आपको समझ आ रहा है। ठीक है बेटा, जैसे मैंने यहां पे लिया है ना एक्सेस वाटर इनटेक वाली बात, ये अब हम इसका एग्जैक्टली उल्टा कर देते हैं। आप खुद ही समझिए सादी भाषा में कि भाई पानी कम दिया है किसी को, लेस वाटर इनटेक है। जब आपने पानी कम पिया है तो फिर आपका शरीर पानी को बाहर क्यों जाने देगा? यूरिन कैसा होगा? कंसंट्रेटेड। तो एग्जैक्टली इस मैकेनिज्म का उल्टा हो जाएगा व्हेन देयर इज लेस वाटर इनटेक। तो हम यहीं पे समझते हैं, एक्सेस की जगह पे मैंने कह दिया लेस, लेस वाटर इनटेक,
ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड इंक्रीजेस, यहां पे डिक्रीजेस हो रहा है, जब आप लेस वाटर इनटेक करेंगे तो इंक्रीजेस, दैट इज अगेन डिटेक्टेड बाय, भाई डिटेक्ट करने के लिए तो हाइपोथैलेमस के ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं, तो यहां पे एडीएच का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन डिक्रीज हो रहा था, वहां पे उल्टा हो जाएगा, इट इंक्रीजेस, तो शरीर तब चाहेगा कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन को नेफ्रॉन्स तक भेजा जाए और नेफ्रॉन्स को यह संदेश दिया जाए कि अब तुम पानी एब्जॉर्ब कर लो, राइट right? ऑर्गेनिज्म ने कम पानी पिया है, शरीर में पानी की कमी है, यूरिन में पानी पास आउट मत होने दो, यानी यूरिन को कैसा कर दो, हाइपरटॉनिक, एग्जैक्टली इसका उल्टा। क्लियर है राजा बेटा, वंडरफुल, राइट। अंश कह रहे हैं कि वैसोप्रेसिन नाम क्यों दिया है, बेटा जो वैसोप्रेसिन वर्ड है ना वो इसलिए कहा गया है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसके ऊपर इस हार्मोन का प्रेसिंग इफेक्ट देखा गया है, ये उनमें वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है ये, लेकिन वो फार्माकोलॉजिकल डोज में, वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डोज में वो इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। अंश साहब आपको क्लियर हुआ, फैजल साहब जी धन्यवाद जी, तुहाडा भी बहुत बहुत, यू ऑलवेज राइट योर मैसेजेस इन पंजाबी, यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द fact that I know that language. Very good. Chandan sahab keh rahe hain clear hai. Thank you ji. Osmolarity bhi aapko samajh aa gaya. Wonderful. Great. Nilesh clear hai aapko. Ashutosh ji animal kingdom baad mein discuss karenge beta. Pehle human physiology ka topic khatam hone dijiye. चलिए, जिन लोगों ने अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं करा है, जिन मेरे कंजूस राजा बेटा ने, या जिनका ध्यान उस लाइक वाले बटन पे नहीं गया है, जल्दी से प्रेस कीजिए, मेरी स्क्रीन पे मुझे लाइक्स दिखने चाहिए, बिकॉज दैट एनर्जाइजेस मी, रियली आई गेट फुल ऑफ एनर्जी, इट फंक्शंस एज एटीपी फॉर मी, आई ऑलवेज से दैट एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो आप इतनी दूर बैठे जो हमारे लिए भेज सकते हैं यहाँ पे, वो है आपकी तरफ से ढेर सारी रिस्पेक्ट, प्यार और शुभकामनाएं, और हम जो अपनी तरफ से आपको दे सकते हैं वो है हमारी तरफ से शुभकामनाएं, प्यार और आपके लिए ढेर सारी गुड विशेस एंड क्वालिटी एजुकेशन, जो अनएकेडमी का दावा है, घर घर तक शिक्षा का चिराग जलाना है, राइट मेरे बेटा। नहीं जी अभय प्रताप जी, वो भाषा मुझे नहीं आती है बेटा, राइट। चलिए इधर देखिए, वही चीज जो मैंने आपको पीछे बोला है, लेस वाटर इनटेक है, अगर कम पानी पिया है तो ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड इंक्रीजेस, एंड अगेन दैट इज डिटेक्टेड बाय ऑस्मोरिसेप्टर्स ऑफ द हाइपोथैलेमस, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एडीएच सिंथेसिस एंड सिक्रीशन इंक्रीजेस, एडीएच कहां एक्ट कर रहा है राजा बेटा, एडीएच के रिसेप्टर्स भी ध्यान रखिएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के रिसेप्टर्स डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल डीसीटी एंड सीटी पर पाए जाते हैं, और जिसके कारण पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जब शरीर ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो यूरिन कंसंट्रेटेड हो गया, बात समझ आ गई। तो सादी भाषा में हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के पास ये काबिलियत है कि पानी के इनटेक के अनुसार यूरिन किस प्रकार का बनाना है उसको वो रेगुलेट कर सकता है। ऑस्मोलैरिटी रेफर्स टू ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बेटा, राइट जी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब हम एक डिसऑर्डर को डिस्कस करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस शब्द का मतलब होता है टेस्टलेस, इंसिपिडस मीन्स टेस्टलेस बिकॉज देर इज नो शुगर इन द यूरिन ऑफ द पेशेंट। एक डायबिटीज और होता है डायबिटीज मेलिटस, मेलिटस वर्ड मीन्स स्वीट शुगर, सो बिकॉज द यूरिन ऑफ द पेशेंट कंटेन्स द शुगर। डायबिटीज वर्ड का मतलब क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मैं लिख देता हूं, डायबिटीज शब्द जब आप कहते हैं ना, दैट इज रेफरिंग टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। यहां पे डायबिटीज इंसिपिडस का जिक्र हो रहा है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस पे। सुनिए बेटा, डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, जब किसी कारण से एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम सिक्रीट होगा, हाइपोसिक्रीशन, सो इट इज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन और डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। एडीएच कम सिक्रीट हुआ तो क्या हो जाएगा, आप खुद ही देखिए, नेफ्रॉन्स पर एडीएच एक्ट करके पानी एब्जॉर्ब करवा रहा था, तो वो पानी अब एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो पेशेंट जो है वो यूरिन पास आउट करेगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन विल बी प्रोड्यूस्ड, राइट, एंड द वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड कैन रीच वेरी हाई, 10 लीटर्स, 20 लीटर, 30 लीटर्स पर डे तक। नॉर्मली एक इंसान एक दिन में कितना यूरिन बनाता है, 1 से 1.5 लीटर, मैक्सिमम 2 लीटर हो जाएगा नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन ये वाली समस्या हो जाने पे एक दिन में 30 लीटर तक यूरिन बन सकता है। अब आप खुद ही हैरान होंगे, इतना पानी लॉस शरीर से होगा तो मर सकता है इंसान, सो उतना ही एक्सेसिव थर्स्ट होगा, पेशेंट को उतनी ही प्यास लगेगी, देयर इज एक्सेसिव
thirst, right? And the patient drinks excess of water. और इसीलिए इसको drinker's disease कहते हैं. बार बार गला सूखेगा, होंठ सूखेगा, प्यास लगेगी, तो patient उतना पानी पीता जाएगा. हम कहते हैं drinker's disease. पानी पीता जा रहा है, बार बार washroom जाना पड़ेगा, because bladder की capacity तो limited है ना. So patient will have to keep on passing urine. Polyuria हम कह देते हैं. Polydipsia हो गया, diuresis हो गया, polyuria हो गया. ये सारे symptoms हैं इस बीमारी के. Frequency of urination increases. Dilute urine बन रहा है, diuresis हो रहा है. Frequency of urination increase हो रही है, polyuria हो रहा है. प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, यानी polydipsia हो रहा है. ठीक है बेटा जी? Now अब यहाँ पे बहुत important बात जो ध्यान रखनी है कि इस केस में patient के urine में sugar नहीं होगा. There is no glucose in the urine. Diabetes mellitus जो insulin से related है, वहाँ पे urine में sugar होता है. So I hope आपको clear हुई है ये बात, right जी? बिल्कुल दिक्कत होगी definitely drinker's disease से. Normal condition में ADH का function यही है बेटा, anti-diuretic hormone जो है, वो nephrons पे act करके पानी absorb करवा रहा है. Clear है? अब मेरी बात सुनिए. Alcohol intake के बाद भी same situation होती है. आपने देखा होगा after consuming excess of alcohol, the person has to go for urination again and again. Alcohol किसी भी form में whiskey, beer या whatever alcoholic beverages लेने के बाद, the person has to go for urination again and again. Why? Because alcohol suppresses release of ADH from posterior pituitary. Diuretic की तरह काम करता है. हम यहाँ पे लिख लेते हैं, alcohol suppresses release of ADH from pituitary gland, right जी? So alcohol लेने के बाद frequency of urination increases. ज़्यादा चाय या कॉफ़ी लेने के बाद भी सेम होता है, कैफीन होता है ना उनमें. ज़्यादा चाय कॉफ़ी आप पियेंगे तो भी बार बार urination के लिए जाना पड़ता है. वो इसीलिए क्योंकि वो diuretics की तरह काम करते हैं. वो pituitary gland से ADH के release को कम कर देते हैं, suppress कर देते हैं, जिसके कारण urine output बढ़ जाता है. इतनी बात clear हुई है जी आपको? द्रुपद adeno hypophysis anterior pituitary से related है. यहाँ पे हम posterior pituitary की बात कर रहे हैं. क्लियर है जी? रीना, संगीता, विकी, अभय प्रताप, आप स्पर्म प्रोडक्शन को रिलेट कर रहे हैं अल्कोहल से. यस, एक्सेस अल्कोहल के केस में टेस्टिक्यूलर श्रिंकेज हो जाता है जी. राजन जी क्लियर है आपको? शाहबाज, सचिन, कृष्णा, ध्रुपद, ग्रेट, वंडरफुल. ये चीजें डायूरेटिक्स की तरह काम करती हैं. वीडियो लाइक जरूर करते रहिए साथ के साथ. चलिए आगे बढ़ते हैं. डायबिटीज इंसिपिडस हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो यूरिन कॉन्टिन्यूसली बन रहा है by nephrons, उसकी composition क्या है, उसका volume क्या है, कुछ certain parameters जान लेते हैं इससे related. Volume जो है urine का 1 से 1.5 liter होता है per day. बाकी depend करता है कि आपने पानी कितना पिया है, आपकी activity कैसी है, आप एक air conditioned room में बैठे हैं सारा दिन या आप बाहर धूप में गर्मी में हैं. So गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, उसके according. Because शरीर से जो पानी बाहर निकल रहा है सिर्फ यूरिन की फॉर्म में तो नहीं है, पसीने की फॉर्म में भी तो है. सो अगर आप धूप में गर्मी में लगातार खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ज्यादा पसीना आ रहा है. सो जब पसीने से पानी बाहर निकल रहा है तो फिर यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो शरीर से पानी बाहर निकालना है ना. सो अगर पसीने की फॉर्म में ज्यादा निकला तो यूरिन कम बनेगा. और अगर आप ठंड के मौसम में, तो आपने नोटिस किया होगा कि सर्दियों में यूरिनेशन ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीजेज, क्योंकि उस समय पसीना उतना नहीं आ रहा है आपको, राइट? यूरिन का जो पीएच है नियरली 6 होता है. बाकी पीएच भी वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपने खाया क्या है, डाइट में क्या लिया है, बिकॉज उसी के हिसाब से जो है पीएच भी बदल जाता है, राइट? कलर जो है यूरिन का, दैट इज पेल येलो, हल्का सा येलोइश जो नॉर्मल केसेस में है. वो किस कारण से है ये बात याद रखिएगा. द पेल कलर ऑफ, पेल येलो कलर ऑफ यूरिन इज बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट. यूरोक्रोम पिगमेंट कहां से आई? आप जानते हैं हीमोग्लोबिन टूटता है हेम एंड ग्लोबिन में, फिर वो टूटती है बिलीवर्डिन बिलीरूबिन पिगमेंट में, फिर वो फर्दर ब्रेक होता है यूरोबिलिनोजन में, फिर वो कन्वर्ट होता है यूरोक्रोम में. सो जो यूरोक्रोम है वह पिगमेंट यूरिन को पेल येलोइश कलर देती है. क्लियर है जी?
यूरिन की जो स्मेल है, जो ओडर है, वो किस कारण से है? पंजेंट ओडर जो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी एक आध बार एग्जाम में पूछा हुआ है बेटा, ध्यान रखिएगा। यूरिन का जो ओडर है वो यूरिन में प्रेजेंट जो यूरिया है वो अमोनिया में बदल जाने से है। देखिए, जहां भी पब्लिक टॉयलेट्स है आपने देखा होगा कि यूरिन की एक स्मेल आती है वहां पे, क्यों आता है? बिकॉज एनवायरमेंट के जो बैक्टीरिया होते हैं, एनवायरमेंटल बैक्टीरिया, इधर देखिए, एनवायरमेंटल बैक्टीरिया जो हैं उनमें एंजाइम है यूरिएज, उनका जो यूरिएस एंजाइम है वो यूरिया को बदल देता है अमोनिया में। सो जो ओडर है, जो स्मेल है, वो अमोनिया के कारण होती है। राइट जी, क्लियर है इतनी बात? बेसिक पैरामीटर समझ आ रहे हैं? अगर आपने कोई दवाई ली है, आप बीमार हैं, या आप कोई विटामिन सप्लीमेंट ले रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, बी का सोल, सो आपने देखा होगा तो भी यूरिन का कलर बदल जाता है, क्योंकि वो ड्रग्स मेटाबोलाइज होके वो चीजें शरीर से बाहर यूरिन की फॉर्म में निकल रही हैं, इसलिए यूरिन का कलर बदल जाता है। आप सैलेड में अगर चुकंदर खाएं, कोई ऐसी चीज जिसमें बहुत डार्क रेड पिगमेंट है, तो भी आप देखेंगे यूरिन का कलर बदल जाता है। सो यूरिन का कलर और पीएच आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। क्लियर है जी इतनी बात? राइट बेटा, हुमा खान, शिवानी, निकिता, बुशरा, ध्रुपद, डॉक्टर निमे, क्लियर है जी? राइट जी, आगे बढ़ सकते हैं। गिरीश, मुस्कान, अजय, श्रेया, संदीप, संगीता, किडनी फेलियर के क्या कारण है? संदीप जी, आगे पढ़ेंगे हम। यूरिएस एंजाइम एनवायरमेंटल बैक्टीरिया में होता है, जिसके कारण यूरिया जो है अमोनिया में बदल जाता है। डॉक्टर निमे, आप क्या लिख रहे हैं? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। बीट कलर, बीट कलर आपने बार बार लिखा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायबिटीज आर देयर? अंश साहब, डायबिटीज, एक तो हमने डायबिटीज इंसिपिडस से रिलेटेड पढ़ा, डायबिटीज मेलिटस भी होता है, वो हम इंसुलिन से रिलेटेड पढ़ेंगे, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। राइट जी, चलिए, वेरी गुड, वंडरफुल। जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं करा है, जल्दी से वीडियो लाइक करिए। और एक बात और बताऊं आपको, आप जो लेक्चर्स अटेंड करते हैं, हमारे जो वीडियोस हैं, लेक्चर एंड होने के बाद इसको आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी शेयर कीजिए विद द हैशटैग #NEETLIVEDAILY। आप अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, और वहां पे मैं आपको जरूर मिलूंगा। आई विल कैच यू ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। राइट जी, तो आज ही लेक्चर खत्म होने के बाद ये काम जरूर कीजिएगा, #NEETLIVEDAILY। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरिन की कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, यूरिनोलाइसिस भी कह सकते हैं आप इसे, यूरिन का एनालिसिस। सो हम देख पा रहे हैं कि यूरिन में 96% तो पानी होता है, उसके अलावा लगभग 4% दूसरी चीजें हैं। 96% इज वाटर, देर आर रफली 4% अदर सब्सटेंसेज। वो 4% अदर सब्सटेंसेज ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक दोनों तरह के हैं। 2.5% ऑर्गेनिक है, 2.5% लगभग 1.5% 1.5% जो है वो इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में आयंस जितने भी हैं वो आ गए। नाउ ऑर्गेनिक में क्या है? नाइट्रोजिनस वेस्ट सब्सटेंसेस भी हैं और नॉन नाइट्रोजिनस भी होते हैं। नाइट्रोजिनस में आ गया यूरिया, यूरिन हैज यूरिया, स्मॉल अमाउंट में अमोनिया एंड यूरिक एसिड इज ऑल्सो देयर। नॉन नाइट्रोजिनस में वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज और भी होंगे, हॉर्मोन्स भी होंगे, विटामिन भी हो सकते हैं। तो बेसिक यूरिन की कॉम्पोजिशन क्या है? सबसे ज्यादा तो पानी है, उसके अलावा 4% और चीजें हैं, उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं? विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, हॉर्मोन्स, ये सब चीजें भी यूरिन में प्रेजेंट होती हैं। राइट जी, ठीक है, हुमा खान, बुशरा, आगे बढ़ सकते हैं, वंडरफुल। इधर देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए बेटा जी। इस पर वैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नॉर्मल कॉम्पोजिशन तो आपने समझ ली यूरिन की, यूरिन में कुछ एबनॉर्मल कॉम्पोनेंट्स भी तो हो सकते हैं। जब हम बीमार होते हैं, कोई समस्या होती है शरीर में, तो बेसिकली आपने डॉक्टर क्या कहते हैं कि भाई ब्लड टेस्ट करा लीजिए, यूरिन टेस्ट करा लीजिए, यूरिन का कल्चर, रूटीन, माइक्रोस्कोपिक, ये बेसिक टेस्ट होते हैं। राइट, हम ये जान पाएं कि भाई कोई एबनॉर्मल कंपोनेंट अगर है यूरिन में, तो वो कोई ना कोई अंडरलाइंग डिजीज या पैथोलॉजिकल सिचुएशन रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। सो हम देखते हैं क्या क्या एबनॉर्मल कंपोनेंट्स हो सकते हैं यूरिन में और वो किस बीमारी को इंडिकेट करते हैं। पेशेंट का यूरिन टेस्ट करवाया आपने और उसमें अगर आपको प्रोटीन्स मिले, प्रोटीन यूरिया या एल्ब्यूमिन यूरिया कहते हैं उसे, प्रोटीन यूरिया इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इन यूरिन
एज इन केस ऑफ, तो हो सकता है उसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ नेफ्रॉन्स. तो पेशेंट का आपने रिपोर्ट जब चेक करा एज अ डॉक्टर, आपने देखा कि भाई इसमें प्रोटीन का टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो आपको एक इंडिकेशन मिला कि हो सकता है कि ये गड़बड़ हो. साइज ऑफ द स्लिट पोर्स जो है मेम्ब्रेन, जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है वहां पे स्लिट पोर्स का साइज बड़ा है, सो इसीलिए पेशेंट के यूरिन में प्रोटीन्स पास आउट हो रहे हैं. सेकेंड, मान लीजिए यूरिन टेस्ट में पॉजिटिव आता है ग्लूकोज, सो दैट इज कॉल्ड ग्लूकोस यूरिया और ग्लाइकोस यूरिया. प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, हमने पढ़ा है दैट नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 80 टू 120 मिलीग्राम्स है. जब आपके ब्लड में 180 से ज्यादा हो जाएगा ग्लूकोज तो वो यूरिन में पास आउट होना शुरू हो जाएगा. सो आपने पेशेंट का यूरिन टेस्ट करवाया, आपने रिपोर्ट देखा और आपको पता चला कि पेशेंट में ग्लाइकोस यूरिया है, तो देर आर चांसेस कि उसे डायबिटीज हो. हर हमेशा 100% जरूरी नहीं है, कई बार जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, प्रेगनेंसी के केस में भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड जेस्टेशनल डायबिटीज. वो बाद में ठीक हो जाता है मेजॉरिटी फीमेल्स में. सो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन एज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिखा है ना, एंड इवन इन केस ऑफ डायबिटीज मेलिटस. देन हेमेटयूरिया, आपने यूरिन रिपोर्ट देखा और आपको पता चला कि पेशेंट के यूरिन में ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं, तो हो सकता है कि भाई किडनी में स्टोन्स हो. रीनल कैलकुलाई जिसे कहते हैं, किडनी स्टोन्स क्यों बनते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. हो सकता है किडनी स्टोन्स हो, या हो सकता है किडनी में कोई इंजरी हो, कोई मेजर इन्फेक्शन हो, उस कारण से भी यूरिन में ब्लड आ सकता है. हेमेटयूरिया, समटाइम्स देयर कैन बी प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री हेमोग्लोबिन इन द यूरिन. यूरिन में फ्री हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है सेरिब्रल मलेरिया के केस में. सेरिब्रल मलेरिया का कॉजिटिव एजेंट क्या होता है जानते हैं आप? इट इज अ वेरी डेंजरस टाइप ऑफ मलेरिया. इट इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम फल्सिपैरम. सो प्लाज्मोडियम का एक स्पीशीज दैट इज प्लाज्मोडियम फल्सिपैरम, विच इज द मोस्ट डेंजरस स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम. दिस कॉजेज सेरिब्रल मलेरिया. प्लाज्मोडियम जब आपके आरबीसीज में जाता है तो उसका मेन मकसद होता है आपके हीमोग्लोबिन को डैमेज करना. आरबीसीज को तोड़ता है, हीमोग्लोबिन रिलीज होगा. लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन इज पास्ड आउट इन द यूरिन एंड द यूरिन ऑफ द पेशेंट टर्न्स ब्लैक, काले रंग का. सो हम इसलिए इसे ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं. इशाश्री बिल्कुल, कैल्शियम सॉल्ट्स ऑक्सलेट्स प्रेसिपिटेट कर जाते हैं जिस कारण से ये हो जाता है. सचिन जॉन आपने ठीक लिखा है, थैंक यू सो मच. पुनीता एंड वेद व्यास जी आप भी सही कह रहे हैं. लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं, आप अपने कमेंट्स जरूर किया कीजिए. जब वीडियो अपलोड हो जाते हैं मैं आपके कमेंट्स फॉलो करता हूं और आपको जवाब भी देता हूं. और जो बात मैंने आज बोली, लेक्चर को शेयर भी कीजिएगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे. आपके लिए सरप्राइज ये है कि मैं आपको वहां पे कैच करूंगा. आई विल फाइंड आउट कि आपने उस हैशटैग के साथ, हैशटैग नीट लाइव डेली, राइट जी? सो जरूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे भी और अपने फेसबुक अकाउंट पे भी, राइट? चलिए वापस लौटते हैं. मैंने कहा कि इसको जो सेरिब्रल मलेरिया है राजा बेटा, सेरिब्रल मलेरिया को ना ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं. ब्लैक वाटर फीवर क्यों कहते हैं? बिकॉज द यूरिन ऑफ द पेशेंट टर्न्स ब्लैक. लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन इज पास्ड आउट इन द यूरिन. खतरनाक किस्म का मलेरिया है ये. चलिए एक और देखते हैं. भाई आपने एज अ डॉक्टर, इंशाल्लाह मैं चाहूंगा आप जल्दी डॉक्टर बने, और जो मैं कह रहा हूं कि आप पेशेंट की रिपोर्ट देख रहे हैं, ये मौका आपको जल्दी से मिले, आपकी मेहनत के साथ मिले पक्का. सो कीटोन्स अगर आपको नजर आएंगे, कीटोन यूरिया कहते हैं उसे. दैट इज प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन. कीटोन बॉडीज फैट्स के टूटने से बनते हैं. कीटोन्स में क्या क्या आ जाएगा? एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड. तो जिन्हें डायबिटीज होता है ना, बिकॉज डायबिटीज के केस में क्या है कि पेशेंट जो है उसके सेल्स ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं कर पा रहे. अगर ग्लूकोज नहीं इस्तेमाल कर पा रहे तो फिर फैट टूटेंगे एनर्जी के लिए. फैट टूटेंगे तो कीटोन्स बनेंगे. तो पेशेंट के यूरिन में भी कीटोन पास आउट होंगे और उसके ब्रेथ में, उसकी सांस में भी दुर्गंध होगी, स्मेल होगी कीटोन्स की. ब्रेथ में कीटोन्स की स्मेल होती है डायबिटीज के केस में भी. एंड इवन अगर आप कीटो डाइट ले रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग जो लोग करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स लेने ही नहीं है डाइट में, तो शरीर के फैट जब टूटेंगे देयर विल बी अ स्मेल इन द ब्रेथ. दैट इज कॉल्ड द दैट इज बिकॉज ऑफ द कीटोन्स. क्लियर है राजा बेटा? कीटोन यूरिया क्लियर हो गया. वेरी गुड दीपक जी, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट. चित्रांशु जी आप डॉक्टर सविनय कपूर को याद कर रहे हैं, बिल्कुल. जब मौका मिलेगा तो मैं आपको उनसे जरूर मिलवाऊंगा.
राइट चलिए फिलहाल तो ही इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर इन एम्स, ही इज अ रेडियोलॉजिस्ट. ओके जी, एक और इंपॉर्टेंट बात आपके लिए बता दूं यहां पे, दैट इज ग्रेविंडेक्स टेस्ट. ग्रेविंडेक्स टेस्ट क्या है? यूरिन से आपने कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस का तो पता लगाया, लेकिन अगर हमें पेशेंट के यूरिन में, फीमेल के यूरिन में HCG हार्मोन, HCG का फुल फॉर्म क्या है बेटा जी? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. अगर HCG का टेस्ट पॉजिटिव मिलता है, दैट मींस दैट यूरिन सैंपल इज फ्रॉम अ प्रेग्नेंट फीमेल. प्रेगनेंसी के टाइम पे जब प्लेसेंटा बनना शुरू होता है, प्लेसेंटा की एक लेयर होती है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट लेयर, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट लेयर. सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है दैट सिक्रेट्स दिस ग्लाइकोप्रोटीनेशियस हार्मोन HCG. ये HCG जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ को प्रोलोंग करता है. जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, मोरूला बना, ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के समय पे सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट लेयर ये हार्मोन बनाने लग जाती है. ब्लड में रिलीज होके ये हार्मोन फिर यूरिन में भी आना शुरू हो जाता है. तो जब आप चेक करते हैं प्रेगनेंसी के लिए कि वेदर शी इज प्रेगनेंट और नॉट, तो यूरिन का सिंपल टेस्ट होता है HCG के लिए, ग्रेविंडेक्स टेस्ट. घर पे भी कर लेते हैं, मार्केट में किट्स अवेलेबल है, प्रेगा न्यूज के नाम से आपने सुना होगा, प्रेग कलर कार्ड के नाम से, जिससे हम कंफर्म कर लेते हैं. जस्ट यू हैव टू पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन ऑन दैट एंड द कलर ऑफ दैट कार्ड चेंजेस. वो उसके ऊपर लिखा होता है इंडिकेशन कि अगर ये कलर चेंज हो गया है, देन दैट कंफर्म्स दैट द सैंपल वाज फ्रॉम अ प्रेग्नेंट फीमेल. क्लियर है जी? सो प्रेजेंस ऑफ HCG इन द यूरिन ऑफ अ फीमेल इंडिकेट्स प्रेगनेंसी. शिवम श्रीवास्तव आपने सही कहा है, रजनी, पुनीता, हुमा, निलेश, रेहान, समंथा. प्लेसेंटेशन क्या होता है? चित्रांशु जी, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं. अगर आपको प्लेसेंटा के बारे में और ज़्यादा जानना है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर. राइट बेटा जी, निलेश आपने सही कहा है, वेरी गुड, ग्रेट. ऋषिकेश कह रहे हैं ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सर ने बताया है हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. वंडरफुल, ग्रेट जी. यस अनघा, इट इज़ मोर देन इनफ. आप मेरे लेक्चर्स फॉलो कीजिए बेटा जी, और साथ के साथ आप NCERT ज़रूर पढ़िए. NCERT एक बेसिक सिलेबस गाइडलाइन है, उसकी पेरिफेरी में थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होना जरूरी है. NCERT में हर वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, वो लाइनें खुद नहीं बोल सकती हैं. सो वही हम बोल के आपको समझा रहे हैं और यहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है जी, बात चल रही थी कि यूरिन से आप क्या क्या चीजें पता लगा सकते हैं. नाउ अब आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे एक ब्यूटीफुल सा प्रेजेंटेशन, एक डायग्राम है जिसमें आप यूरिनरी ब्लैडर का कट व्यू देख रहे हैं. दिस स्ट्रक्चर इज यूरिनरी ब्लैडर. इसको आपको सामने की तरफ से हमने काट के दिखाया है. यहां पे आप दो डक्ट्स देख पा रहे हैं, विच आर व्हाट? यूरेटर्स. किडनी में यूरिन लगातार बन रहा है. दो मस्कुलर डक्ट्स हैं यूरेटर्स. यूरेटर्स में लगातार पेरिस्टेल्सिस भी होता है और उसके कारण यूरिन लगातार कॉन्टिन्यूसली ब्लैडर में इकट्ठा हो रहा है. जब एक सर्टन अमाउंट तक वो यूरिन स्टोर हो जाता है तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इनिशिएट होता है. ब्लैडर की वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं. द स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड एंड देन द मैसेज गोज टू योर नर्वस सिस्टम. राइट, यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन ने बाहर पास आउट होना है. पहले ब्लैडर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लीजिए आप. यहां पे ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये दोनों मस्कुलर डक्ट्स हैं यूरेटर्स. यूरेटर्स जहां पे अंदर की तरफ खुल रहे हैं ना ब्लैडर में, यहां पे कोई एनाटॉमिकल वेल्व नहीं है, कोई वेल्व नहीं है, फिजियोलॉजिकल वेल्व है. कि उनकी पोजीशनिंग कुछ इस तरह से है वहां पे कि जैसे जैसे ब्लैडर में यूरिन भरता जाएगा वो अपने आप बंद हो जाएंगे. आप ब्लैडर की अंदर वाली वॉल जो है, म्यूकोसा जो है, उसमें यहां पे रूगे हैं. रूगे म्यूकोसा के फोल्ड्स हैं. आपको याद होगा रूगे वर्ड आपने और कहां पड़े हैं? रूगे आपने स्टमक में भी पढ़ा था, गैस्ट्रिक रूगे. पैलेट में पड़ा है, पैलेंटाइन रूगे. वेजाइना में भी होते हैं, वेजाइनल रूगे. और अब आप यूरिनरी ब्लैडर में पढ़ रहे हैं, दैट इज द रूगे प्रेजेंट इन द ब्लैडर. थैंक यू सो मच जी. सुतानवी, समंथा, मिनती, चंदन, थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग द डायग्राम. थैंक यू सो मच मोहम्मद फैजल जी. वीडियो को वायरल भी कीजिए आप अपने पंजाब में भी. राइट हमारे पंजाब में इनफैक्ट. ओके, ये आगे देखते हैं. ब्लैडर के अंदर ये जो इनर ट्रायंगुलर एरिया है, दैट इनर ट्रायंगुलर एरिया इज व्हाट इज कॉल्ड ट्राइगोन और ट्राइगोन वेसिके. अब ये जो आपको दिख रहे हैं ना यूरेटर्स, ये अंदर आके यहां पे खुल रहे हैं बेटा जी. ये ऊपर ही नहीं खुल गए. इसको ध्यान से देखिए, अगर आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये यूरेट्रल ओपनिंग्स दिखाई गई हैं. यूरेट्रल ओपनिंग्स, यूरेटर्स की ओपनिंग्स, ये दोनों. यहां पे कोई फिजियोलॉजिकल वेल्व है लेकिन एनाटॉमिकल नहीं है.
क्लियर है, समझ आया आपको? ओके जी, अब ये डेट्रूसर मसल भी हमें ध्यान रखना है। ब्लैडर की वॉल जो है वो काफी मस्कुलर है, इसमें सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की लेयर्स हैं, अभी हम देखेंगे। तो डेट्रूसर मसल कहां पाया जाता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं। ब्लैडर की वॉल में होता है डेट्रूसर मसल। डेट्रूसर मींस टू एक्सपेल आउट, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूरिन बाहर पास आउट होगा। उसके बाद आप आगे देख पा रहे हैं, ये एक डक्ट है, दैट इज व्हाट इज यूरिथ्रा। यूरिथ्रा का काम होता है यूरिन को कैरी करना। सो ये रहा यूरिथ्रा, इट इज अ मस्कुलर डक्ट व्हिच कैरीज यूरिन। राजा बेटा यहां पे दो चीजें ध्यान रखना, इसके स्फिंक्टर्स, एक ये अंदर वाला स्फिंक्टर है, दैट इज इनवॉलंटरी। इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो है उसमें स्मूथ मसल्स हैं। इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर हैज स्मूथ मसल्स, इट इज इनवॉलंटरी। दूसरा आप देख पा रहे हैं एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है उसमें स्केलेटल मसल्स हैं, और जहां पे स्केलेटल मसल्स होते हैं वो चीज वॉलंटरी होती है। तो इसका मतलब है बेटा जी, ध्यान से समझिए कि यूरिथ्रा को रेगुलेट करते हुए दो स्फिंक्टर्स हैं, इंटरनल विच इज इनवॉलंटरी एंड एक्सटर्नल विच इज वॉलंटरी। ब्लैडर में यूरिन भरता जा रहा है, ब्लैडर की वॉल जो है वो एक्सपेंड हो रही है, स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहे हैं, इंटरनल स्फिंक्टर अपने आप खुल सकता है क्योंकि वो इनवॉलंटरी है, लेकिन यूरिन तो पास आउट तब होगा जब एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी खुलेगा। तो नेचर ने यहां पे हमें स्केलेटल मसल्स दिए हैं, वॉलंटरी मसल्स दिए हैं कि वेदर अ पर्सन वॉन्ट्स टू पास आउट यूरिन और नॉट, दैट इज अंडर द कॉन्शियस और द वॉलंटरी कंट्रोल। अगर यहां पे वॉलंटरी स्फिंक्टर नहीं होता तो यूरिन अपने आप पास आउट कर जाता है ना, जैसा छोटे बच्चों में होता है। छोटे बच्चों में क्या है, एट द एज ऑफ नियरली वन एंड हाफ टू टू ईयर्स अ चाइल्ड लर्न्स टू कॉन्शियसली कंट्रोल द एक्सटर्नल स्फिंक्टर। छोटे बच्चे को हम टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं कि भाई जब तुम्हें यूरिनेशन के लिए जाना है तुम्हें बताना है हर जगह यूरिन पास आउट नहीं करना है। यू आर गेटिंग दिस थिंग, बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है तब जाकर के वो डेढ़ दो साल की उम्र पे यह सीख पाता है कि किस तरह से एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कॉन्शियसली कंट्रोल करना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ओल्ड एज में जाकर के इस स्फिंक्टर की टोन कमजोर पड़ जाती है। तो आपको पता होगा बूढ़े लोगों में भी ओल्ड एज में भी अब कई बार ऐसा हो जाता है कि यूरिन अपने आप पास आउट हो गया। एक्सट्रीम डायबिटीज कंडीशन में भी ये स्फिंक्टर कमजोर पड़ जाता है तो यूरिनेशन अपने आप हो जाता है। कुछ बच्चों में बेड वेटिंग की प्रॉब्लम भी है, एन्यूरेसिस जो है वो भी हम पढ़ेंगे आगे अभी, कि प्यूडेंडल नर्व होती है एक जो स्फिंक्टर्स को सप्लाई करती है, उसका माइलिन शीथ अगर ठीक से नहीं बनेगा तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। राइट जी, नानक सिंह जी थैंक यू सो मच फॉर डिसयूरिया पेनफुल यूरिनेशन। बेटा सब चीजें डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके बारे में पढ़ लीजिए, आगे की बातें हैं, एवरीथिंग वी हैव टू डिस्कस। वंडरफुल, जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं करा है इस डायग्राम के नाम पे जल्दी से लाइक्स आ जाने चाहिए। ओके चलो आगे बढ़ता हूं। नाउ यूरेटर्स की बात हो रही है, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब्स जो हैं। यूरेटर्स क्या हैं? 25 टू 30 सेंटीमीटर्स लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब्स विच कैरी यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन इज फॉर्म्ड कॉन्टिन्यूसली बाय नेफ्रॉन्स एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप इट इज ट्रांसपोर्टेड टू यूरेटर्स। और फिर यूरेटर्स में पेरिस्टेल्सिस होता है। पेरिस्टेल्सिस आपने इंटेस्टाइन में भी पढ़ा है, फेलोपियन ट्यूब्स में भी पढ़ा है। पेरिस्टेल्सिस अकर्स कॉन्टिन्यूसली इन यूरेटर्स। जो वेव है पेरिस्टेल्सिस का, उसका ओरिजिन कहां से हुआ है? इट ओरिजिनेट्स इन कैलसेस। व्हाट आर कैलसेस? द ब्रांचेस ऑफ यूरेटर इन द किडनी। जैसे हमने इस तरह से किडनी का स्ट्रक्चर बनाया था रफली इस तरह से, मान लीजिए ये रहा यूरेटर, तो यूरेटर की जो ब्रांचेस हैं किडनी में उनको कैलसेस कहते हैं। तो जो वेव ऑफ पेरिस्टेल्सिस है दैट ओरिजिनेट्स इन कैलसेस एंड इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ वंस एवरी सेकेंड टू वंस एवरी टू टू थ्री मिनट्स। तो पेरिस्टेल्सिस लगातार हो रहा है और ग्रेविटी के कारण भी यूरिन नीचे जा रहा है ऑफ कोर्स ब्लैडर की तरफ, और इस पेरिस्टेल्सिस के कारण भी ब्लैडर की तरफ जा रहा है। ब्लैडर का जो अंदर का ट्रायंगुलर एरिया है मैंने आपको बताया, उसे ट्राइगोन वेसिके कहते हैं। क्लियर है जी? राइट ओके आगे बढ़े।
चलिए यहां देखते हैं एक और डायग्राम मैंने आपको आपके सामने यूरिनरी ब्लैडर का एक कट व्यू में दिखाया है। आप इस डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि यहां पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड हमने दिखाई है, तो इसका मतलब है हम मेल यूरिनरी सिस्टम दिखा रहे हैं। ह्यूमन मेल में यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ कॉमन पोर्शंस हैं, इसीलिए हम यूरिथ्रा को मेल्स के केस में यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं, बिकॉज दैट यूरिनोजेनाइटल डक्ट इट कैरीज यूरिन एज वेल एज सेमिनल फ्लूइड, सीमेन भी और यूरिन भी, बट एट वन टाइम ओनली वन फ्लूइड कैन पास। स्फिंक्टर मसल्स इसको रेगुलेट करते हैं। सो ब्लैडर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बेटा, ब्लैडर के अंदर आपको रूगे दिख रहे हैं, ब्लैडर के मसल्स को मैंने कहा डिट्रूसर मसल कहते हैं, और यहां पे ये जो यूरेटर्स आ रहे हैं ऊपर से, ये यूरेटर्स आके यहां इस तरफ को खुल रहे हैं, तो ये यूरेट्रल ओपनिंग्स हैं। दो यूरेट्रल ओपनिंग्स आपको दिख रही हैं, द इनर ट्रायंगुलर एरिया दैट इज ट्राइगोन वेसिके एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द ट्राइगोन, दिस रीजन इज कॉल्ड द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड है मेल के केस में, सो मेल्स में यूरिथ्रा डक्ट पासेस थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट। यहां पे सेमिनल वेसिकल्स और बाकी पार्ट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नहीं दिखाए गए हैं। इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर लेबल किया गया है जो नेक ऑफ द ब्लैडर पे है, और यहां पे प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा द पार्ट ऑफ यूरिथ्रा विच पासेस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड दिस इज द एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर प्रोस्टेट से ऊपर की तरफ है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर प्रोस्टेट से नीचे की तरफ है, राइट जी। एडवांस्ड एजिंग में हमने पढ़ा था बीपीएच बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया हो जाता है कुछ मेल्स में, प्रोस्टेट ग्लैंड जब एनलार्ज कर जाती है दैट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन यूरिथ्रा एंड यूरिनेशन बिकम्स डिफिकल्ट, ये हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है, प्रोस्टेट सर्जिकली भी निकालना पड़ता है, प्रोस्टाटेक्टॉमी कहते हैं उस सर्जरी को, ठीक है जी, राइट, क्लियर है। गिरीश, डिंपल, कृति, सामंथा, हुमा, मुकेश, थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग द डायग्राम, ग्रेट जी, मोहम्मद फैजल, वेद व्यास, सोनिया, क्लियर, वंडरफुल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैडर की वॉल का मसल याद रखना, डिट्रूसर मसल। यहां पे आपको इस एनिमेशन के जरिए दिखाया गया है कि यूरिनरी ब्लैडर आप देख पा रहे हैं, ये वाला डक्ट जो है दैट इज यूरिथ्रा, यहां से यूरेटर्स हैं जो यूरिन कैरी करके ले जा रहे हैं। ये बात लिखी है, इवन देयर इज नो एनाटॉमिकल वाल्व एट द ओपनिंग ऑफ ईच यूरेटर, अ फिजियोलॉजिकल वाल्व इज क्वाइट इफेक्टिव। जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर जो है इट फिल्स विद यूरिन, प्रेशर विद इन इट कंप्रेसेस द ऑब्लीक ओपनिंग्स इनटू द यूरेटर एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द यूरिन। समझे आप इस बात को, जैसे जैसे ब्लैडर में यूरिन भरता जाएगा उसका जो प्रेशर है वही उन यूरेटर्स की ओपनिंग पे दबाव डालेगा और यूरिन का बैक फ्लो वहां से पीछे की तरफ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच अंश, आर्यन, साहेब, ग्रेट। चलिए आगे देखते हैं, बात कर रहे थे यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर एक रिजर्वॉयर है यूरिन के लिए, यूरिन को स्टोर करने के लिए। फीमेल्स के केस में यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी कम होती है, फीमेल्स बहुत ज्यादा देर तक यूरिन होल्ड करके नहीं रख सकती बिकॉज ज्यादा जगह वहां यूट्रस ने भी ऑक्यूपाई कर रखी है, यूट्रस इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर सैक, तो यूट्रस के कारण यूरिनरी ब्लैडर का साइज और कैपेसिटी फीमेल्स के केस में एज कंपेयर टू मेल्स कम होती है। सो इट्स अ रिजर्वायर फॉर यूरिन, इट कैन होल्ड नियरली 700 to 800 ml of urine, but इतना ज़्यादा urine stored होगा, बहुत painful condition हो जाती है ये। Now, it's written it's smaller in females because the uterus occupies the space just superior to the urinary bladder. Urge for urination begins when nearly 150 to 250 या 200-250 ml के करीब यूरिन जब भर जाता है ब्लैडर में, तो आपको एक अर्ज होनी शुरू होती है, एक डिजायर होता है यूरिन पास आउट करने के लिए, राइट। बट वेदर द पर्सन वॉन्ट्स टू पास आउट यूरिन और नॉट, वो अपने कॉन्शियस कंट्रोल में है, क्योंकि नेचर ने वहां पर स्केलेटल मसल्स दिए हैं। खुद ही सोच के देखिए, अगर यूरिथ्रा की ओपनिंग में इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स होते तो हम यूरिन के फ्लो को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। जब भी ब्लैडर में यूरिन भरता वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होकर के यूरिन बाहर पास आउट हो जाता। एग्री करते हैं ना इस बात से, राइट जी। अभय प्रताप, पुनीता, ग्रेट, सुहाना, समझ आ रहा है, रोशनी, संगीता, अंश, वेदव्यास, आर्यन, ग्रेट जी। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड आर्यन, आपको कहां से याद आ गए, हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं और आप क्या पूछ रहे हो। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, दैट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू दिस टॉपिक व्हाट वी आर डिस्कसिंग।
ओके जी, आगे बढ़ते हैं. ब्लैडर की इनर मोस्ट लाइनिंग जो होती है दैट इज यूरोथीलियम, ट्रांजिशनल एपिथीलियम है. याद रखना, जो ब्लैडर की सबसे अंदर वाली लाइनिंग है, मैंने एनिमल टिश्यूज वाले चैप्टर में एपिथीलियम पढ़ाते समय भी बताया था दैट इट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल एपिथीलियम और यूरोथीलियम. इस यूरोथीलियम के कुछ खास फीचर्स होते हैं. एक तो जैसे जैसे ब्लैडर में यूरिन भरता है, ब्लैडर की वॉल स्ट्रेच करती है, खिंचती है, तो यह खास तरह का जो ट्रांजिशनल एपिथीलियम है उस खिंचाव को बर्दाश्त कर सकता है. इसके सेल्स खिंचते हैं और दोबारा अपनी उसी पोजीशन में आ जाते हैं. स्पेशल फीचर्स ऑफ यूरोथीलियम आपके सामने लिखे हुए हैं. नंबर वन, इट स्ट्रेचेस व्हेन द ब्लैडर फिल्स अप विद यूरिन. एंड नंबर टू, इट डज नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस. देखिए, ब्लैडर में यूरिन ने स्टोर रहना है, ब्लैडर की वॉल के साथ यूरिन के सब्सटेंसेस का एक्सचेंज भी तो हो सकता है. यूरिन में जो यूरिया है, अमीनो एसिड है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, वो ब्लैडर की वॉल के साथ सब्सटेंसेस एक्सचेंज हो गए तो कॉम्पोजिशन तो बदल जाएगी ना. लेकिन ऐसा नहीं होता. द कॉम्पोजिशन ऑफ स्टोर्ड यूरिन डज नॉट चेंज बिकॉज वो जो यूरोथीलियम है उसका यही तो खास फीचर है, यही तो खूबसूरती है कि वो कॉम्पोजिशन को बदलने नहीं देता है. इसके साथ साथ आप और सोचिए, बाहर के बैक्टीरिया यूरिथ्रा के थ्रू ब्लैडर तक पहुंच सकते हैं, है ना. फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई के चांसेस ज्यादा होते हैं. ये बात जानते हैं आप? वो इसलिए बिकॉज फीमेल्स में जो यूरिथ्रा डक्ट है विच इज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड दैट इज शॉर्टर, 3 से 4 सेंटीमीटर डक्ट होती है फीमेल्स में. सो द चांसेस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आर मोर इन फीमेल्स वेयर एज इन मेल्स द यूरिथ्रा डक्ट इज लॉन्गर. तो चांसेस ऑफ यूटीआई फीमेल में ज्यादा है. अब ब्लैडर में इन्फेक्शन ना होने पाए इसलिए ये यूरोथीलियम जो होता है ये खास तरह के एक सब्सटेंसेस रिलीज करता है दैट इज ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकन्स, जो कि बैक्टीरिया को वहां पे पनपने नहीं देते हैं. क्लियर है जी? राइट, जल्दी से अपने थम्स अप भेजिए मेरी तरफ ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है आप लोगों को अच्छे से समझ आया है. क्रिस्टल क्लियर है, डायमंड क्लियर है, प्लैटिनम क्लियर है. राइट जी, पुनीता आपने सही लिखा है, ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकन्स. राइट जी, ओके आगे बढ़ते हैं. यूरिनरी ब्लैडर की बात कर रहे थे. यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है उसमें ये अलग अलग लेयर्स हैं. सबसे अंदर वाली लेयर है म्यूकोसा, उसके बाद मसल्स की लेयर है, एडवेंटिशिया है, सिरोसा है. म्यूकोसा में मैंने आपको बताया रूगे होते हैं, वो भी ध्यान रखना है, और ट्रांजिशनल एपिथीलियम बताया था यहाँ पे. म्यूकोसा क्या है? म्यूकोसा इज द म्यूकस मेम्ब्रेन विच हैज ट्रांजिशनल एपिथीलियम. दिस इज इंपॉर्टेंट. इसको यूरोथीलियम भी कहते हैं. रूगे क्या थे? द फोल्ड्स इन द म्यूकोसा आर प्रेजेंट टू परमिट एक्सपेंशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. जैसे जैसे यूरिन भरता जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में वो रूगे डिसअपियर होते हैं. फिर जब यूरिन पास आउट हो गया फिर से वो रूगे बन गए. स्टमक में भी तो यही था, गैस्ट्रिक रूगे जो होते हैं. इंटरमीडिएट मस्कुलरिस जो है, डेट्रूसर मसल जिसका हम बात कर रहे थे, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. मैंने कहा ना ब्लैडर की वॉल हाईली मस्कुलर होती है, वहां पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, फिर सर्कुलर मसल और फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं. सो सबसे अंदर म्यूकोसा है, उसके बाद आपने देखा इंटरमीडिएट मसल्स की लेयर है. एक और ब्यूटीफुल सा एनिमेशन आपके लिए लेके आए हैं जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि किस तरह से यूरेटर्स जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो रहे हैं और उसके बाद यूरिथ्रा में यूरिन आगे पास आउट हो रहा है. यहाँ पे जिक्र किया गया मेरे बेटा जी स्फिंक्टर्स का. मैंने ये दोनों स्फिंक्टर्स आपको बता दिए, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर. जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो इनवॉलेंट्री है, वहाँ पे स्मूथ मसल्स हैं. जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो वॉलेंट्री है क्योंकि वहाँ पे स्केलेटल मसल्स हैं. राइट जी, क्लियर है इतना? जबरदस्त, ग्रेट. चलिए आज के लिए हमारे पास इतना ही है और क्लास के एंड में आपसे फिर एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जो बच्चे अभी तक हमारे साथ प्लस पे नहीं जुड़े हैं आप जल्दी से प्लस का वो बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है एक्सप्लोर कर लीजिए. एंड जब आप वहां पे फाइनली सब्सक्रिप्शन लेंगे तो नीट लाइव कोड यूज करना आपको नहीं भूलना है, बिकॉज नीट लाइव कोड यूज करने से आपको हमारी टीम की तरफ से डिस्काउंट मिलता है स्पेशल. ठीक है राजा बेटा, आपके जो भी डाउट्स हैं अभी वो आप मुझे अभी की अभी भी बता सकते हो, साथ के साथ भी जवाब दे सकता हूं आपको. चैप्टर अभी फिनिश नहीं हुआ है, वी हैव टू डिस्कस लॉट मेनी थिंग्स इन दिस चैप्टर. आने वाली क्लासेस में वी हैव टू डिस्कस काउंटर करंट मैकेनिज्म, वी हैव टू डिस्कस अबाउट ऑस्मोरेगुलेशन, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द किडनी, विल बी डिस्कसिंग अबाउट डायलिसिस और द हेमोडायलिसिस ऑल्सो. ठीक है जी, द चैप्टर इज नॉट ओवर येट.
आगे भी बढ़ना है। हाँ जी, आप मुझसे मेरा इंस्टाग्राम आईडी पूछ रहे हैं, आप अपने इंस्टा में इंस्टाग्राम आईडी पे हमारा लेक्चर जो है शेयर कीजिए विद द हैशटैग नीट लाइव डेली। मैं अपने आप आपको ढूंढ लूंगा, उस हैशटैग को मैं सर्च करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने उसे जो है पहले शेयर किया हुआ है। तो कितना आसान है देखिए हम तक पहुंचना, और आप आसानी से हमें ढूंढ सकते हैं, हम आपको ढूंढ सकते हैं, राइट जी। सो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। क्या शेयर करना है? लेक्चर कब करना है? बस लेक्चर खत्म होते ही, और जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगा आप कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा। मैं आपके वीडियो के कमेंट्स को जरूर फॉलो करता हूं और जितना पॉसिबल हो पाता है मैं उनका जवाब भी देता हूं। जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और मेरे दाएं बाएं आप देख सकते हैं पीडीएफ जो है, आपको ये पूरे ब्यूटीफुल नोट्स जो मैंने आपके लिए बनाए हैं ये भी आपको मिल जाएंगे। बस अभी के अभी जैसे ही लेक्चर अपलोड हो जाएगा आप तक ये लिंक भी मिल जाएगा, और लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है, राइट जी। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आज बहुत मजा आया आप लोगों से बातचीत करने का, काफी इंटरेक्टिव रहा सेशन। इसी तरह से आप एक्टिव बने रहिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, क्विक रिएक्शन होनी चाहिए, बेहतरीन समझ होनी चाहिए आप में। तो यही सही गुणों का मिश्रण जो है आपको आपके लक्ष्य तक लेकर के जाता है। हमारी दुआएं, हमारी गुड विशेस आपके साथ है, और अनअकैडमी की तरफ से ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके साथ है ही। चलिए मेरे राजा बेटा, बाय बाय, जल्दी से वापस लौट के आइएगा फिजिक्स के लेक्चर के लिए। ज्यादा दूर नहीं जाना है, जस्ट पानी वानी पीजिए अपना और वापस आ जाइए। बाय बाय, नमस्कार।